जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने गुरुवार को रामगढ़ ताल के नौकायान स्थित नौका विहार वाटर बॉडी झील में पैडल बोटिंग का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि नौकायान पर बहुत अच्छा वाटर बॉडी है तथा मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार बोटिंग शुभारंभ करने के निर्देश दिए गए थे, जिसको देखते हुए झील में लगी जलकुंभी की सफाई करवाई गई है तथा पैडल बोट का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पैडल बोट पर छोटे बच्चे और परिवार के लोग आसानी से घूम सकेंगे क्योंकि यहाँ पर पानी स्थिर है। उन्होंने बताया कि रामगढ़ ताल में पानी स्थिर नहीं है, जिससे छोटे बच्चों को बोटिंग करने में खतरा था। उन्होंने बताया कि बोटिंग के साथ साथ बत्तख को भी झील में छोड़ा गया है और अगले चरण में हंस को भी छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि झील की गंदगी को साफ कराया जाएगा और झील के किनारे किनारे नागरिकों के टहलने के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुबह टहलने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% पालन किया जाए। इस अवसर पर संयुक्त संचालक मत्स्य जीवी सहकारी समिति के आशीष सहानी, गौरव सहानी, अमर निषाद, राधेश्याम निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, ये सफाई करना
नाव को इधर थोड़ा और दीजिए और डालिए सर को ऊपर कोठा को ली लोड और ज्यादा हो गया पड़िए चला पड़िए ये नहीं ज्यादा प्रॉब्लम है सर को कमिश्नर और पेडल बोर्ड का आपके द्वारा दोबारा किया गया सर क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर वाटर बॉडी है जैसा कि हम सभी लोगों को पता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बोटिंग शुरू कराने के और सफाई कराने के आदेश दिए थे। तो पहले चरण में जलकुंभी की सफाई हुई है और आज आपने देखा कि आज हम लोगों ने यहाँ पे बोटिंग की शुरुआत करी है। यहाँ पे पानी बहुत शांत है और छोटे बच्चों को पैडल बोट पे बैठा के घुमाने में बड़ी आसानी होगी जो कि रामगढ़ ताल में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था बच्चों के लिए जाना। दूसरा आज हम लोग यहाँ पे कुछ बतख भी छोड़े हैं इसमें और अगले फेज में नेक्स्ट फेज में हम लोग इसकी हंस भी छोड़े हैं। नेक्स्ट फेज में हम लोग यहाँ पे और बृहद तौर पे ये जितना साइड में आपको पूरा दिख रहा है उसकी सफाई कराने जा रहे हैं अगले एक हफ्ते में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बना रहे हैं जिसमें सुबह टहलने में लोगों को आसानी होगी। वो पूरी लंबा आखिरी स्ट्रेच तक हो जाएगा उसका भी जल्दी ही दो चार दिन में टेंडर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि गोरखपुर के लोगों को पसंद आएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। पर्यटन के बीच कितना बढ़ावा मिलेगा इससे? काफ़ी फ़ायदा होगा जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, दिन भर भीड़ रहती है, शाम को भी भीड़ रहती है। बोटिंग के लिए लोगों को काफ़ी दूर अंदर जाना पड़ता था और ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ा मुश्किल होता था बोटिंग करना, तो उनके लिए बड़ा आसानी हो जाएगा और मैं श्योर हूँ कि लोगों को पसंद आएगा।